हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे कि जो कर्टेन ग्लास होते हैं आपके, कर्टेन वॉल होती हैं, उनके कलर को आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, तो उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। अब जैसे इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट कलर मैंने बनाए हैं यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस टाइप के कलर है, तो इस टाइप के कलर आप किस तरीके से बना सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं इन कर्टेन वॉल। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल यहाँ पे ओपन करता हूँ, डिफॉल्ट, ओके। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक वॉल लेता हूँ, वो लेता हूँ कर्टेन वॉल। कर्टेन वॉल मान लो मैंने ऐसे एक वॉल ली है, काफी सारी वॉल लेंगे हम, सिलेक्ट किया इसको, मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से मल्टीपल कॉन्स्ट्रेंट, और मैं इसको कॉपी करता हूँ कोई यहाँ पे 7 7 फिट के डिस्टेंस पे, 7 फिट 7 फिट 7 फिट। अब मान लो चार टाइप के मैंने यहाँ पे वॉल्स क्रिएट किए हैं, कर्टेन वॉल, ये चार मेरे पास वॉल हैं, इनको मैं शेड्यूल कर लेता हूँ यहाँ से। अब एक ही कलर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो कि है आपका ब्लू कलर। अब इस पे फ्रेमिंग अगर करनी है तो पहले मैं इस पे मलियन लगा देता हूँ, जिस भी टाइप का मेरे को मलियन चाहिए, कर्टेन ग्रिड, और इस पे कंप्लीट पे मेरा फ्रेमिंग हो जाएगी ऐसे, ओके। अब कलर करने के लिए बेसिकली मुझे क्या करना है, मेरे को ये अंदर का ग्लास सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे जाओ कर्सर और टैब प्रेस करो। जैसे ही टैब प्रेस करोगे देखो तो स्विच करेगा कि आपको ये सिलेक्ट करना है, दोबारा स्विच करेगा कि अंदर का जो आपका ग्लेज्ड है वो सिलेक्ट करना है, या कंप्लीट ग्लास आपको कर्टन वॉल सिलेक्ट करनी है। तो मेरे को अंदर का ग्लास सिलेक्ट करना है, तो आप ग्लास को बेसिकली ऐसे सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे जो ग्लास लगा हुआ है वो ग्लेज लगा हुआ है, आप इसे सॉलिड भी कर सकते हो, बट हमें अभी ग्लेज ही चाहिए। एडिट टाइप पे क्लिक करो और यहाँ पे आप एक डुप्लीकेट क्रिएट करो। डुप्लीकेट किया, आप मान लो ब्लू डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे डाल दो ब्लू ग्लास, ओके कर दो। ओके करने के बाद यहाँ पे है मटेरियल, यहाँ पे ग्लास का मटेरियल है, यहाँ पे क्लिक करो। अब यहाँ पे ये वाला मटेरियल है जो ओरिजिनली लगा हुआ है, हम एक क्रिएट करेंगे न्यू मटेरियल और इसको नाम रख देंगे रीनेम वन, ओके वन लिया, या फिर ब्लू रख सकते हो, रीनेम वन, BLUE ब्लू। यहाँ पे जाओ अपीयरेंस लाइब्रेरी पे, और अब आप यहाँ पे ग्लास पे जाके कलर डेंसिटी, ग्लेजिंग चाहिए, स्मूथ चाहिए, या आपको टेक्सचर्ड ग्लास चाहिए, वो आप अपने तरीके से यहाँ से चूज कर सकते हो। अभी के लिए मैं ग्लेजिंग ले रहा हूँ, यहाँ पे ब्लू कलर का ऑलरेडी है, ब्लू ग्लेजिंग है, ये नॉर्मल ब्लू है, आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं, और इसके कलर को आप बाद में भी चेंज कर सकते हो। मान लो यहाँ पे मेरे को ये वाला कलर नहीं चाहिए, तो आप कलर को यहाँ पे लाइट कर सकते हो, या किसी भी टाइप का जैसे भी आपको कलर चाहिए वो वाला कलर चूज कर सकते हो। ब्लूश आपको डार्क चाहिए, डार्क ब्लू ले सकते हो। ग्राफिक में जाके यूज रेंडर अपीयरेंस करूंगा, ताकि मेरे को जो मेरा शेडेड व्यू है उसमें मेरे को सेम कलर नजर आए। ये मैंने ब्लू किया, ओके। ब्लू करने के बाद मैं यहाँ पे एक और रिनेम कर देता हूँ इसे, एक और इसका न्यू क्रिएट कर देता हूँ, न्यू मटेरियल, या फिर इसको अप्लाई कर देता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ, ओके। अब ये देखो ये ब्लू कलर यहाँ पे अप्लाई हो गया। ऐसे ही अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ये मैंने सिलेक्ट किया, एडिट टाइप पे जाता हूँ, डुप्लीकेट क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे मैं सेकंड नंबर लिख लेता हूँ, और यहाँ से दूसरा ग्लास लेके क्रिएट करता हूँ न्यू मटेरियल, इसको रिनेम कर देता हूँ टू, सिलेक्ट करता हूँ, लाइब्रेरी पे जाता हूँ, अपीयरेंस लाइब्रेरी क्लिक किया, ग्लास पे क्लिक करो, ग्लेजिंग पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ से आप किसी भी टाइप की जो ग्लेजिंग है ब्लू ग्रीन टाइप में ऐसे है, और इसको बाद में आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब ये देखो ये वाले ग्लास को यहाँ से आप डायरेक्टली ऐसे चेंज कर सकते हो। अब वो वाला जो ऑलरेडी है उस पे कलर चेंज करने का आपके पास ऑप्शन नहीं आता, वो आप यही आप ले सकते हो ब्लू ग्लेजिंग जैसे आपने ली, ताकि यहाँ पे आपका कलर चेंज करने का ऑप्शन आए। अब यहाँ पे देखो आपका कलर चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, आप इसे कस्टम पे क्लिक करें, और यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से जैसे ग्रीन चाहिए ग्रीन पे क्लिक करें, ओके करें, यूज रेंडर अपीयरेंस करें, उसके बाद आप यहाँ पे कर सकते हैं क्रिएट न्यू मटेरियल, इसको आप रिनेम करें, थ्री का नाम डाल सकते हैं, थ्री पे यहाँ पे क्लिक करके आप इसका मटेरियल डाल सकते हैं, आप यहाँ पे ओके करें, ओके। अब ये आपका यूज रेंडर अपीयरेंस नहीं किया, इसको मैंने दोबारा टैब प्रेस करके सिलेक्ट किया, इंडिविजुअल मटेरियल ही लगाए, एक बार में मत बनाए, यहाँ पे क्लिक किया, थर्ड पे क्लिक किया, अब ये थर्ड वाला अप्लाई हो गया, मेरे को सेकंड वाला करना था तो मैंने ओके किया, ओके। तो वो आपका इस टाइप का आ जाएगा यहाँ पे ग्रीन कलर में, अब इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है, आपको ग्लास को बेसिकली सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जाओ ग्लास को सिलेक्ट करो, एडिट टाइप पे जाओ,
डुप्लीकेट क्रिएट करो, नाम रखो, मान लो मैंने यहाँ पे रखा थ्री, और यहाँ पे ग्लास पे क्लिक करके थर्ड वाले मटेरियल को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके मटेरियल को मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ कि मेरे को ग्लास चाहिए। आप ये वाले भी डेंसिटी वाले भी कलर ग्लास चूज कर सकते हो, आप ग्लेजिंग चूज कर सकते हो, आप टेक्सचर्ड वाले ग्लेजिंग चूज कर सकते हो, स्मूथ ग्लास यूज कर सकते हो या फिर टेक्सचर्ड ले सकते हो। मान लो मैं स्मूथ ये रेड ग्लास लेता हूँ, ये वाला आप चूज कर सकते हो। यहाँ पे ये वाला कलर आएगा आपका ग्राफिक में, यूज रेंडर अप्रिंस किया और यहाँ पे आप कर सकते हो इसे ओके। अब यहाँ पे जो इस ग्लास के मटेरियल है तो आप देखोगे इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं, इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन, जितना इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन आप इंक्रीज करोगे उतना वो थिक होता चला जाएगा आपका ग्लास, जितना कम करोगे उतना वो ट्रांसपेरेंट होता चला जाएगा ओके। मैंने ओके किया ओके, ये वाला मैं इस पे अप्लाई कर देता हूँ। अब ये वाला ब्लू है, अब अगर मैं रेंडर करता हूँ व्यू पे जाके रेंडर करके अगर मैं देखता हूँ बेस्ट क्वालिटी रेंडर, अब मेरे को बैकग्राउंड यहाँ पे रेंडर का वो चाहिए कुछ वाइट, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहां से मैं इसको कर देता हूँ कलर और कलर को कर देता हूँ वाइट ओके, ताकि मेरे को रेंडर अच्छे से दिखाई दे। और यहाँ पे आप ये रिफ्लेक्शन देख रहे हो आपकी ग्लास की, वो भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। अब अगर मैं रेंडर करूंगा तो आप देखोगे तो इस टाइप के आपके यहाँ पे ग्लास आ जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर। अब इसमें रिफ्लेक्शन ज्यादा दिख रही है क्योंकि थिक ज्यादा है और इसके अंदर रिफ्लेक्टिविटी काफी ज्यादा है। अब आप ये कलर को इस तरीके से चेंज कर सकते हो। और एक और चीज आप जो कर सकते हो अपने मटेरियल के अंदर, अगर आप यहाँ पे मैंने इस पे मटेरियल पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि मान लो ये वाला कलर है, अपीयरेंस में जाएं तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आपका ग्लोसी, ग्लोसी ज्यादा कम कर सकते हो, वो ग्लोसीनेस आपकी यहाँ पे कम हो जाएगी अगर आप ग्लोसी नहीं चाहते तो। अगर आप चाहते हो कि रिफ्लेक्टिविटी आए तो आप यहाँ से रिफ्लेक्टिविटी चेंज कर सकते हो अपने इसकी, कि कितनी रिफ्लेक्टिविटी चाहिए उतनी रिफ्लेक्शन डाल सकते हो। तो अब आप यहाँ पे देखोगे अपने ग्लास को, नीचे आके यहाँ पे रिफ्लेक्शन इंक्रीज करोगे तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, जो आपके आसपास की चीजें होंगी उसको ज्यादा दिखाएगा। रिफ्लेक्टिविटी कम करोगे तो रिफ्लेक्टिविटी कम हो जाएगी, ताकि वो ट्रांसपेरेंट ग्लास हो जाएगा। ये काफी सारी चीजें हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ट्रांसपेरेंसी कितनी चाहिए, अगर मैं ट्रांसपेरेंसी कम कर देता तो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करता तो फुल्ली ट्रांसपेरेंट आपका ग्लास हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो कैसे ग्लास बनाना है, ठीक है। एंड यहाँ पे ओके करें तो उसी टाइप का आपका ग्लास बन जाएगा और उसी टाइप से आपका रेंडर यहाँ पे होगा। तो ये था कैसे आप कर्टेन ग्लास जो आपके होते हैं, कर्टेन वॉल होती है, उनका कलर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस ग्लास की थिकनेस को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। आगे आने वीडियो में मैं उस चीज को कवर करने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच।